नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की सरकार के साथ साथ अब गांव और गांव का हर एक पंचायत डिजिटल दुनिया से जुड़ रहा है। ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के राज्य सरकार के मिशन के रूप में अब सभी ग्राम पंचायत इकाइयों की अपनी वेबसाइट होने वाली है। इससे उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के ऐतिहासिक और जनसांख्यिकी विवरण होने वाला है। राज्य पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर हर एक ग्राम पंचायत के लिए व्यापक वेबसाइट विकसित करने के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अन्य केंद्र सरकार के संस्थान से संपर्क करने को कहा है, जिससे योजनाओं की स्थिति सहित प्रत्येक गतिविधि हो सके। इसकी निगरानी राज्य मुख्यालय से होने वाली है, जिसकी जानकारी खुद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने ही बताया है कि विभाग को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कोटेशन मिलने के बाद सभी 8,387 ग्राम पंचायतों की वेबसाइट विकसित करने की परियोजना शुरू हो जाएगी। इन वेबसाइटों में क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विवरण के साथ साथ सभी जनसांख्यिकी विवरण, ऐतिहासिक महत्व के स्थान, महत्वपूर्ण संस्थान इसमें शामिल है। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य भर में पंचायती राज संस्थानों को धन से भारी प्रवाह को देखते हुए डिजिटल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से निपटने के लिए डिजिटल शिक्षा और कौशल सशक्तिकरण भी बहुत जरूरी हो गया है। इस साल विभाग का इरादा स्वास्थ्य, विकास और शासन क्षेत्रों पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से 8,500 करोड़ रूपए का अनुदान खर्च करने का है। इसमें से 3,900 करोड़ रूपए विकास के लिए और 1,150 करोड़ रूपए स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए रखे गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बिहार को फंड उपलब्ध कराया गया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने भी ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान के रूप में 3,261 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले वर्षों में कुछ वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी और विभाग को जांच के लिए कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अधिकांश वित्तीय लेनदेन मैनुअल रूप से किए जा रहे थे। अब विभाग ग्राम पंचायतों के खर्च के लिए वित्तीय निगरानी की उन्नत प्रणाली पर जोर दे रहा है। इसको लेकर उन्होंने आगे कहा कि वेबसाइटों को प्रबंधन सूचना प्रणाली और व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से लैस किया जाएगा, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड के प्रत्येक पाई के लिए अधिक जवाबदेही लाई जा सके। ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों को वेबसाइट को संभालने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिसके बाद अब उम्मीद यही है कि सभी ग्राम पंचायतों के वेबसाइट बन जाएं और पंचायतों का काम भी सही ढंग से हो सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।